छापे के बाद अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एटीएस एसटीएफ भी नक्सलियों से क्रिकेट कनेक्शन की जांच कर रही है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई के मामले में पुलिस ये जांच कर रही है। एनआईए की कार्रवाई में सिकली गिरोह के हथियार सप्लाई का मामला सामने आया था। बालाघाट में मारे गए नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर के गोले सिकली गिरोह पर एनआईए की कार्रवाई में भी आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्चर के गोले मिले थे और मध्य प्रदेश में नक्सलियों के पास से पहली बार पकड़े गए हैं रॉकेट लॉन्चर के कारतूस। मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित देश भर में अब सिकली गिरोह के बनाए हथियारों की बताया जा रहा है कि सप्लाई हो रही है और इसी को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। जब्त किए गए हैं। एक जो बात निकल के आई है, इस बार पहली बार हम लोगों ने बीजीएल जो ये बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है उसका एक कारतूस, दो कारतूस इनसे जब्त हुए हैं। मैं जो फोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसमें आप देखेंगे तो जो AK-47 का जो रखा है उसके बगल में रखा है, मैगजीन के बगल में दो बीजीएल रखे हैं, जो फोटो शेयर होगा तो उसमें आप देख सकेंगे। ये पहली बार हम लोगों ने जब्त किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, सिकली गिरोह के और नक्सलियों के बीच के कनेक्शन को लेकर जांच हो रही है, क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर को लेकर? देखिए पवन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ दिन पहले एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई थी सिकली गिरोह के ऊपर, खासकर खरगोन, बुरहानपुर, उसके आसपास। और जब कार्रवाई की गई थी तो कई हथियार जब्त किए गए थे और इसके साथ साथ कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी पवन। और इसके साथ साथ ग्रेनेड लॉन्चर भी उस वक्त जब्त किए गए थे और कारतूस भी जब्त किए गए थे। लेकिन जब कल बालाघाट में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, दो नक्सलियों को ढेर किया गया। बताया जा रहा करीब 25 नक्सलियों ने पुलिस फोर्स पर हमला किया था जो वहां पर निरीक्षण कर रही थी जंगलों के अंदर चुनाव के मद्देनजर। तो उस वक्त जब मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में जो दो नक्सली वहां पर ढेर हुए तो उनके पास से भी ग्रेनेड के लॉन्चर के कारतूस मिले हैं। और जो आईजी बता रहे थे, इंटेलिजेंस आईजी बता रहे थे डॉक्टर आशीष, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में के पास से अगर जितनी भी मुठभेड़ हुई है अब तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में नक्सलियों से, कभी भी ग्रेनेड लॉन्चर के कारतूस नहीं मिले हैं। इस तरीके से हम छत्तीसगढ़ में मिलते रहे लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं मिले। और इसी के बाद से जांच एजेंसियां सक्रिय हुई है। अब एनआईए हो या फिर दूसरी जांच एजेंसियां हो, वो इनके सिंडिकेट की पड़ताल कर रही है। कई सिकली गिरोह जो बताया जाता है कि निमाड़ के जंगलों के अंदर हथियार, अवैध हथियार बनाती है, वो कहीं नक्सलियों को तो सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं। और नक्सलियों के पास हथियार को लेकर हमेशा से ये जांच का विषय रहता है कि आखिर इनके पास से AK-47 और दूसरे हथियार आते कहां से। लेकिन अब पुलिस को, जांच एजेंसियों को एक इनपुट मिला है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी कार्रवाई सिकली गिरोह के इलाकों में होती हुई नजर आएगी और कई सबूत हाथ भी लगे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।